चैप्टर शुरू करते हैं, पोएम शुरू करते हैं। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल, द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉर फियर्स टू फॉल, एज ही ग्रू देयर हाउस एंड ऑल टुगेदर। तो स्नेल कहाँ कहाँ रहता है? ग्रास पे यानी घास पे, लीफ पे, फ्रूट पे और वॉल पे वो अपने आप को चिपका के रखता है। द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉर फियर्स टू फॉल, वह अपने आप को चिपका के रखता है किसके ऊपर? इन सब चीजों के ऊपर, ग्रास के ऊपर, लीफ के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, वॉल के ऊपर। द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉर फियर्स टू फॉल, और उसको डर नहीं लगता गिरने का। नॉर फियर्स टू फॉल, उसे गिरने का डर नहीं है। एज इफ ही ग्रू देयर हाउस एंड ऑल टुगेदर, ऐसा लगता है जैसे वो इतनी अच्छी तरह से अपने आप को चिपका के रखता है ग्रास से, लीफ से, फ्रूट से या दीवार से, मानो कि वो वहीं पैदा हुआ है और वो बड़ा हुआ है, उसको कोई डर नहीं है। एज इफ ही ग्रू देयर, ऐसा लगता है मानो वो वहीं पे पैदा हुआ है। हाउस एंड ऑल टुगेदर, वही उसका घर है और सब कुछ है। ऑल टुगेदर विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स, और उसी घर के अंदर, जैसे कि हमको पता है कि स्नेल का एक घर होता है, स्नेल उस एक छोटा सा जीव होता है जिसके पीठ पर एक ऐसा कवच जैसा होता है, और जब भी उसको डर लगता है वो उस कवच के अंदर घुस जाता है। विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स, और वो अपने उस घर के अंदर सिक्योरली यानी बिना किसी डर के उसी के अंदर छुपा रहता है। When danger imminent betides, जब कोई भी danger, imminent danger यानी कोई भी आने वाला danger, पता है कि ऐसा danger आने वाला है, कौन कौन से danger आ सकते हैं? Of storm, आंधी तूफान आ सकता है, और हाँ besides of weather, और weather के अलावा यानी क्लाइमेट के अलावा कोई और तरह का, जैसे मनुष्य हो सकते हैं, कोई और जीव जंतु हो सकता है, इन सब का भी जब होता है तब भी वो अपने आप को अपने ही उस सिक्योर शेल के अंदर घुसा लेता है।